दिल्ली के बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी के समन पर पेश न होने पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवानी कहा कि कुछ लोगों को गलतफहमी है कि वो कानून से ऊपर हैं, कानून की ताकत और संविधान का अपना अपना रसूख होता है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि इस देश में कानून का शासन है और कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद ग्रहण करते समय शपथ ली थी कि मैं कानून और संविधान का पालन करूंगा। वहीं अब सीएम केजरीवाल एक कानूनी और संवैधानिक एजेंसी के बुलाने पर नहीं जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि कानून उन्हें गिरफ्तार करेगा। यदि वो सच्चे हैं तो एजेंसी के सामने साक्ष्य पेश करें या फिर न्यायालय की शरण में जाएं। दिल्ली से शुभ सेठ की रिपोर्ट। जिस तरह का व्यवहार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, लगता ऐसा है कि उन्हें देश की प्रशासनिक और कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपने शपथ ली थी और शपथ पत्र जब पढ़ रहे थे तो आपने कहा था कि मैं संविधान और कानून के नियमों का पालन करूंगा। तो कानून सम्मत एक जांच एजेंसी अगर आपको बुला रही है और आपको मौका दे रही है कि आप अपने साक्ष्य रखिए और आप भाग रहे हैं, तो भागने की मानसिकता तो एक अपराधी की होती है जो जांच एजेंसी से बचना चाहता है। तो अगर अरविंद केजरीवाल जो आप दावा करते हैं कि आप कट्टर ईमानदार हैं, तो आपको साक्ष्य रखने चाहिए और अपना विषय रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि आपने शराब नीति बदलने में घोटाला किया है, शराब की काली कमाई खाई है, दिल्ली की जनता के पैसे को लूटा है, इसलिए आप जाँच एजेंसी से बच रहे हैं। लेकिन मेरा आपको फिर भी एक सलाह है कि जाँच एजेंसी का सामना करें और जो साक्षी आपके पास है उनके सामने रखें। देखिए, जहाँ तक हैसियत की बात है तो मैंने कहा कि जांच एजेंसी तो कानून सम्मत है और वो अपराधी को उसकी हैसियत बताती है। जिस संबंध को ये गलत बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, उस संबंध को मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर जैसे अपराधी भी गलत बताते रहे हैं। आज कहाँ हैं वो लोग? मैंने कहा इस देश में कानून का शासन है। अगर अरविंद केजरीवाल को लगता है कि यह संबंध गैर कानूनी है तो न्यायालय के दरवाजे खुले, वहां जाके अपना पक्ष रखें। लेकिन वो खुद स्वयं जानते हैं कि इस शराब नीति में घोटाला हुआ है और जिसके वो मुखिया हैं, तो एक अपराधी की तरह व्यवहार कर रहे हैं और भाग रहे हैं।